हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक एंड इजी फूड। क्विक एंड इजी फूड में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है हम लोग का सबका फेवरेट आटा का हलवा। तो आज मैं बहुत क्विक तरीके से ये बनाने वाली हूँ। पहले पैन को रख दीजिए जलती हुई आग के ऊपर, और अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। अब इस घी को थोड़ा गर्म होने दीजिए। जैसे इसमें थोड़ा गर्माहट आए, ये ट्रांसपेरेंट जैसे दिखने लगे, इसमें हम डालेंगे इलायची। थोड़ा क्रश करके डालिए। मैं 5 से 6 इलायची इसमें डाल रही हूँ। जैसे ही थोड़ा थोड़ा करके ये इलायची चटकने लगे, तो हम इसमें डाल देंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो है 1 कप आटा। ये मैं नॉर्मल जो गेहूँ का आटा है वही डाल रही हूँ, लाल वाली। अब इसको हमको पूरा मिलाना है इस घी के साथ, ताकि सही से ये फ्राई हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके ब्राउन। और आप देखिएगा, जो भी इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ लम्प्स आते हैं, तो उस लम्प्स को आप तोड़ते जाइए। आपने जो करछी है उसके थ्रू से ऐसे देखिए, ऐसे तोड़ दीजिए, क्योंकि लम्प्स वाले हलवा तो हमको पसंद नहीं है भाई। ये देखिएगा, आप कंटिन्यूस इसको हिलाते रहिए, क्योंकि मैं आग धीमी नहीं कर रही हूँ, पूरा फुल आँच में ये चल रहा है। और जैसे ये थोड़ा ब्राउनिश हो जाएंगे, अभी इसमें मैं डाल दी हूँ 3 चम्मच चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। और अभी आपको रुकना नहीं है, हाँ, ये गर्मी की वजह से चीनी जले जले पिघलने लगता है, और आपके हलवे को देता है एक नया सा ब्राउनिश यमी यमी लुक। जैसे इसका कलर ऐसे थोड़ा और ब्राउन होने लगे, अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। 1 कप आटे में 1.5 कप पानी। और अभी तो आपको पूरा मसल को फ्लैक्स करके फुल ऑन इसको हिलाना है। कोई भी लम्स बने उसको भी तोड़ना है, और जल्दी जल्दी में हिलाना है, क्योंकि इस ये स्टेप हार्डली आपका 2 मिनट जैसे चलेगा, तब तक आपका ऐसा बन जाएगा हलवा। जब ये स्टेज में आए, तब आप इसमें डाल दीजिए 2 और टेबलस्पून घी। अभी हमको फाइनली करना है कि इस घी के साथ अपना हलवे को मिलाना है सही से। देखिए, घी मेरा पूरा पक गया है। अभी ये आपका यम्मी यम्मी हलवा नियर टू रेडी है, और ये इतना अच्छा स्मेल दे रहा है ना, मैं इसी के ऊपर से खा लूँ जैसा लग रहा है। चलो, हम लोग का हलवा पूरा रेडी। अब देखिए, हार्डली 2 या 3 मिनट ही लगा है मुझे ये हलवा बनाने के लिए, और आप भी जल्दी जल्दी में बना सकते हैं। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये आप अगर छोटा सर्विंग हो तो 5 से 6 लोगों को दे सकते हैं, बड़ा सर्विंग हो तो आप 3 लोगों को तो आराम से ही दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा सर्विंग्स बना रही हूँ, तो ये प्लेट में डाली, और मैं इसको गार्निश की हूँ काजू किशमिश से। और आपकी फेवरेट जो भी ड्राई फ्रूट्स लगे आप उससे दे सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी बनता है, और मेरे घर में तो हर किसी को पसंद है। तो भाई, अब हमको अब बोलिए ये मेरा रेसिपी कैसा लगा। आप जल्दी जल्दी बनाइए और हमें शेयर ज़रूर कीजिए। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप हमारे इस रेसिपी को लाइक शेयर करने बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये रेसिपी बना के कैसा लगा और खाने में कैसा लगा। और आखिर में यही बोलते कि हमारे चैनल को ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले रेसिपी में। बाय बाय।